शिवं देवाय नमः ॐ आदिप्रजापते नमः ॐ श्रीब्रह्मदेवाय 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 नमः वत्स भगीरथ आंखें खोलो वत्स। मैं ब्रह्मा हूं वत्स, बोल तुझे क्या वर चाहिए। कल्याणमस्तु। हे आदि प्रजापति, वर देने की क्षमता भी उसी में होती है जो ये जानता है कि वर मांगने वाला क्या चाहता है। वत्स, तुमने सत्य कहा। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तू देवी गंगा को धरती पर लाना चाहता है। जा, मैंने तुझे वर दिया। आप बड़े दयालु हैं ब्रह्मदेव। तू इसी समय मेरे साथ चल और मेरे कमंडल में निवास करने वाली देवी गंगा का आवाहन कर। चलिए ब्रह्मदेव। ठहरो भगीरथ, इससे प्रथम कि तुम मेरा आवाहन करो, मैं तुम्हें सावधान करना चाहती हूँ कि बिना किसी शक्तिशाली आधार के यदि मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आई तो मेरे वेग को, मेरे प्रवाह को पृथ्वी के लिए सहन करना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा। मैं पृथ्वी के जिस भाग पर भी उतरूंगी विध्वंस की लीला करती हुई पाताल लोक पहुंच जाऊंगी। हे माते, आपने वास्तविकता का ज्ञान देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं आपका आवाहन तभी करूंगा जब मैं आपके अवतरण के लिए कोई उचित आधार ढूंढ लूंगा। आयुष्मान भाव। हे आदि प्रजापति, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप ही मुझे बताइए कि मैं माता गंगा के लिए किसका आवाहन करूं। बस इसके लिए सारी सृष्टि में एक ही देव ऐसे हैं जो दयालु हैं, कृपालु हैं और सर्वशक्तिमान हैं। वो हैं देवों के देव, देवादिदेव महादेव। बस तुम उन्हीं की शरण में जाओ। तुम्हारी समस्या का समाधान मात्र उन्हीं के पास है। तुम जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करो। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु। हे भोले शंकर, हे महादेव, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। देवादिदेव, देवादिदेव, क्या बात है महादेवी? हे प्रभु, मेरा भक्त भगीरथ आपका आह्वान कर रहा है। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया है। प्रभु, उसे दर्शन दीजिए प्रभु। किंतु महादेवी, अब उसके समक्ष क्या समस्या है? आपने तो उसकी मुख्य समस्या का समाधान कर दिया है। ये तो मैं नहीं जानती प्रभु, किंतु आप उसे शीघ्र दर्शन दीजिए और उसे पूछिए कि उसकी समस्या क्या है। हे महादेवी, संसार इसीलिए आपको जगदम्बा के नाम से पुकारता है। पुत्र को कष्ट में देखकर आप विफल हो उठी। आप चिंता ना करें महादेवी, मैं वहीं जा रहा हूं जहां आपका पुत्र मेरे ध्यान में लीन मेरा आवाहन कर रहा है। Thank you.
शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस आयु में ऐसा कठिन संकल्प तो विरले ही लेते हैं। आंखें खोलो पुत्र। प्रभु, जय शिव शंकर। भगीरथ, तुम तो महादेवी पार्वती के प्रिय भक्तों में से हो। तुम्हारे लिए तो वो स्वयं ब्रह्मलोक गई थी। कहो वत्स, तुम्हें मुझसे क्या वर चाहिए? हे प्रभु, हे देवाधिदेव, आपकी कृपा के बिना तो मेरा पूरा प्रयास ही निष्फल हो जाएगा। प्रभु, माता गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तत्पर है। मैं जैसे ही उनका आवाहन करूंगा वो ब्रह्मलोक से चल पड़ेंगे, किंतु प्रभु, उन्हें पृथ्वी पर धारण कौन करेगा? ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर आते समय उनका वेग इतना प्रबल होगा कि जिसे सहन करने की क्षमता धरती के किसी भाग में नहीं होगी। वो धरती का विध्वंस करती हुई पाताल लोक चली जाएंगी। ऐसी स्थिति में हे देवाधिदेव, मेरे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। मैं समझ गया पुत्र, तुम्हें पृथ्वी पर गंगा को धारण करने के लिए उनका अपना एक स्थायी निवास चाहिए। वैसे ये सत्य है कि गंगा बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है, उनका प्रभाव बहुत प्रबल है, इसलिए उन्हें सरलता से बांधा नहीं जा सकता। भगीरथ, तुम उनका आह्वान करो। ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आ रही प्रलयकारी गंगा का निवास स्थान मेरी जटाओं में होगा। मैं उन्हें अपने मस्तक पर रोकूंगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मुझ पर, मेरे कुल पर और मेरे पूर्वजों पर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं माता गंगा का आह्वान करने जा रहा हूं प्रभु। हे माता गंगा, मैं आपके आदेश के अनुसार आपका आह्वान कर रहा हूं। आप ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक पर आने की कृपा कीजिए। आइए माते, पृथ्वीलोक पर पधारिए माते। मैं भगीरथ आपका आह्वान कर रहा हूं। हे आदि प्रजापति, मैं धरती पर जा रही हूं। आपने इतने समय तक मुझे आश्रय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। प्रणाम।
देवाधिदेव, हे महादेव, मैं वर्षों ब्रह्मा जी के कमंडल में रही, किंतु वहां मेरे ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था और ना ही इस प्रकार के अनुशासन का बंधन था। मैं वह स्वतंत्र थी। मैं तो इधर उधर भागकर हास परिहास करती थी, किंतु यहां, हे देवाधिदेव, भला आपसे कौन जीत सका है? मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं आपके समक्ष अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दे। हे गंगे, आपको क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। आप इतनी महान हैं, इतनी विशाल हैं, इतनी शक्तिशाली हैं कि आपका स्थान केवल शिव के मस्तक पर ही हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको अपनी जटाओं में बांधा है। आप तो तीनों पथों पर गमन करेंगे, आकाश, धरती एवं पाताल। हे देवाधिदेव, श्री हरि विष्णु के चरणों से जो मेरी यात्रा आरंभ हुई है वो आपकी जटाओं में आकर समाप्त हो गई। नहीं देवी, अभी आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, अभी तो आपकी यात्रा आरंभ होनी है। आपको यहां तक लाने वाला मेरा नन्ना भक्त भगीरथ अभी भी विस्मय से आकाश की ओर देख रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आप कहां लुप्त हो गई। आप अपनी यात्रा से थकान का अनुभव कर रही हैं। आप तनिक विश्राम कीजिए, मैं भगीरथ की जिज्ञासा शांत करके आता हूं। हे महादेव, जिस प्रकार आपने मुझे स्वीकार किया है, मुझे अपनी जटाओं में स्थान दिया है, मेरी प्रार्थना है कि मेरा यह स्थान सदैव बना रहे। देवी गंगे, ये तो आपका स्थायी निवास ही हो गया। आप हरि प्रिया थी, आपने ब्रह्म लोक में निवास किया, अब आप हर प्रिया कहलाएंगी। देवी, समस्त संसार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीन भिन्न रूप हैं, किंतु सत्य यह है देवी कि हम तीनों एक ही हैं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव। विष्णु ही विष्णु हैं, विष्णु ही ब्रह्मा हैं, विष्णु ही शिव। ब्रह्मा विष्णु हैं, ब्रह्मा ही शिव। मैंने माता गंगा को आकाश से उतरते देखा, प्रभु का यह विराट रूप, अपने देवाधिदेव की सारी संसार में फैली इन जटाओं को मैंने नेत्रों से देखा, किंतु माता, उसके पश्चात माता गंगा कहां लुप्त हो गई, यह मुझे क्या है? पुत्र भगीरथ, इसका ज्ञान तो केवल देवाधिदेव को है। हे माता, मैंने प्रभु का यह विराट रूप पहले कभी नहीं देखा। अपने इस पुत्र की ओर से आप ही देवाधिदेव को मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने को कह सकती हैं। पुत्र भगीरथ, देवी गंगा के लिए तुमने मुझसे जिस आधार की प्रार्थना की थी, वो आधार मैंने उन्हें दे दिया। इस समय देवी गंगा मेरी जटाओं में है। यदि मैं अपनी जटाओं को इतनी विशालता नहीं देता तो देवी गंगा के वेग को रोक पाना असंभव होता। प्रणाम देवाधिदेव। हे देवाधिदेव, पुत्र भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को अपने साथ ले जाना चाहता है। अब आप ही इसे बताइए, यह कैसे संभव होगा? पुत्र भगीरथ, मैंने तो केवल गंगा को धारण किया, परंतु तुम
इस पृथ्वी पर गंगा को ला रहे हो। तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति इस संसार में सदा के लिए अमर रहेंगी। गंगा तुम्हारे साथ जाएंगे। दीदी, कितने वर्षों के पश्चात हमारा यहां मिलन हुआ है। हाँ उमा, अब तो शिव का धाम ही मेरा धाम होगा। अब हम दो बहनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हे भगीरथ, मेरी विनती पर देवादिदेव तुम्हें एक रथ प्रदान करेंगे। ये दिव्य रथ किसी भी प्रकार के मार्ग पर चलने वाला होगा। तुम उस रथ में आगे आगे चलोगे और मैं पीछे पीछे तुम्हारा अनुसरण करूंगी। गंगे, आपकी इच्छा अनुसार मैं भगीरथ को अभी दिव्य रथ प्रदान करता हूं। दिव्य रथ तुम्हारा है, तुम ही मेरे मार्ग का निर्धारण करोगे। जिस मार्ग से तुम चलोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। जैसी आपकी आज्ञा माता। प्रणाम देवादिदेव। प्रणाम माता।